आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट भी हैं और बने हैं केवल आलू से। वो कैसे, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले बाउल में ले लो 2 बड़े चम्मच मैदा, आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। फिर ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एंड लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा पानी ऐड करके अब इसे कर लेते हैं बढ़िया तरीके से मिक्स। साइड में रख दो उसको। अब ले लो उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लिए हैं क्योंकि बाकी का मम्मी ने आलू का भरता बना लिया था, जो कि बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसे थोड़े मोटे पीसेस में राउंड राउंड शेप में कट कर लेते हैं। अब इसे स्लरी में डिप करके बढ़िया तरीके से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेते हैं। और ये जो ब्रेड क्रम्स है वो मैंने घर पे ही बनाए हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है मेरी आसान सी ट्रिक के साथ। आपको ब्रेड को बिल्कुल भी पैन पर सेकना नहीं पड़ेगा। और अब इसको हम गरम गरम ऑयल में फ्राई कर लेते हैं, मतलब की डीप फ्राई। लास्ट में स्प्रिंकल कर लेते हैं चाट मसाला और सर्व कर लेते हैं टोमेटो केचप के साथ। वीडियो पसंद आया हो जल्दी से लाइक कर दो और हाँ, इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ।